अच्छा सवाल है ये। लोगों को ये कहा जाता है कि आप हमारे पास आइए और हमारे मुरीद बन जाइए, अब वो करिए जो हम आपको हुक्म देते हैं। जो हम आपको हुक्म देते हैं वो हरगिज नहीं करना, और जो हम आपको हुक्म देते हैं वो करना। ये पढ़ना है बस यही पढ़ना है, ये करना है बस यही करना है। मंगल को ये काम नहीं करना, चहरशंभे को ये काम नहीं करना, हफ्ते के दिन ये अच्छी बात नहीं होती, ये चांद की तारीख है, इसमें गलत हो जाता है। गर्ज कहने का मकसद ये है जनाब मोहतरम कि इस किस्म का लोगों के जहनों में एक अमल के जरिए से डर ये बिठा देते हैं कि देखो हम तुम पर ऐसा अमल कर दिए हैं कि तुम जहां कहीं भी रहोगे, जहां कहीं भी बैठोगे, जहां कहीं भी जाओगे, उसका सीधा सीधा जो है ना हमको इत्तला मिल जाती है। अब एक मासूम मुसलमान बेचारा हमारे जैसा अब ये हो जाता है परेशान के चरे हजरत को सारी चादों का इल्म हो जा रहा है, अब मैं मुरीद बन चुका हूं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। झूठ बोलते वक्त ये नहीं सोचता आदमी, धोखा देते वक्त ये नहीं सोचता आदमी, कभी गाली देते वक्त में ये नहीं सोचता आदमी, सिगरेट पीते वक्त आदमी ये नहीं सोचता कि मेरे मुर्शिद को मालूम हो रहा है। किस किस्म का डर मुसलमानों के दरमियान में बिठा दिया गया। लिहाजा ये जो तरीक़ेकार है कि अमल के जरिए से लोगों को बता देना कि भाई अब तुम यही करो, यही करो, यही करो, और फिर हम जो बोलते जाएंगे वो समझते जाना, उसके आगे नहीं करना, उसके पीछे नहीं करना, अगर तुम करोगे तो गुनाहगार साबित हो जाओगे, नंबर एक। और फिर ये जो सिफली अमल जिसको कहा जाता है, सिफली इलम है क्या आखिर? सिफली इलम जादू की दूसरी शक्ल है, या यूं अगर कहा जाए तो बेजाना होगा कि जादू ही का नाम सिफली इलम, सिफली अमल है। जो जादूगर तरीक़ाकार इख्तियार करता है उसी को सिफली अमल कहा गया, जो जिनों और शयातीन को इख्तियार किया जाता है, जिसके जरिए से जो है ना लोगों पर जो है ना जो भी नुकसान हैं या जो भी उनका जो है ना अमल होता है वो किया जाता है। इस्लाम के अंदर इस किस्म का काम करना बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया। जो आदमी जादू करता है या सीखता है, या जो आदमी किसी पर जादू करवाता है, करने वाले को जितना अजाब होगा करवाने वाले को भी उतना ही अजाब होगा। ये कभी भी जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन सकेंगे। जन्नत तो मिलना बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी इनको तो जो है हरगिज़ नहीं मिलेगी। लिहाजा ये लोग जो तरीक़ेकार लेकर के चलते हैं कि नहीं देखो हम ये तरीका कर रहे हैं, ये अल्लाह उसके रसूल में हैं, हम कुरान की आयतों का इख्तियार कर रहे हैं। मैंने कल बताया आपको कि किस तरीके से कुरान की आयतों में तहरीफ की जाती है, किस तरीके से जो है ना तावीज़ों के अंदर तहरीफ की जाती है, किस तरीके से शिर्क के अंदर जो है ना लोगों को जो है ना मुलविस किया जाता है। तो गर्ज कहने का मकसद ही है ये तमाम के तमाम अमल है, और ये क्या है लोगों के जहनों में बिठा दिया गया कि हम तुम्हारी बंदिश कर दिए हैं। क्या है बंदिश? अल्लाह अकबर, इतना बड़ा धोखा मुसलमानों के साथ में कि हम तुम्हारी बंदिश कर दिए हैं, अब तुम जो है हमारी बंदिश में हो, हमारी निगरानी में हो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। और देखा गया कि उसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं क्या है समझ के बाहर है। कब हमारी अकल खुलेगी इस मामले के अंदर, कब हम सुधरेंगे इस मामले के अंदर? ये तमाम तर बुराइयों की जो जड़ पैदा हुई है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अल्लाह के कलाम को छोड़े हैं। कुरान हमारी निगाहों से खत्म हो गया, जबानों से खत्म हो गया, हाथों से खत्म हो गया, हमारे घरों से भी खत्म हो गया, हमारे अकीदों से खत्म हो गया। जब यह कुरान हमारे अकीदों से खत्म हो गया तो ये नुकसान हमारे दर पर आ गया। तो लिहाजा ये जो भी तमाम करना है, ये बंदिश करना है, ये अमल बिठाना है, या जो है ना जो भी जो है ना जादुई हरकत करना है, ये इस्लाम की नज़र में सख्त गुनाह के काम है। इससे बचना चाहिए, इससे बचाना चाहिए, और जो कर रहा है उसको, वो बुराई को अगर आपके पास ताकत है तो हाथ से रोकना है, अगर आपके पास ताकत नहीं है तो जबान से रोकना है, अगर उसके बावजूद भी आपके पास ताकत नहीं है तो कम से कम इसको दिल में बुरा समझना है। ईमान के आखिरी दर्जे की अलामत बताई गई है। उम्मीद किया जवाब आपका मैं क्यों मिलवा।